हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज आकाश श्रीवास्तव। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मिस्टर अंकुर सिंह सर से, जिन्होंने हाल ही में 2020 और 21 के यूपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपी सब इंस्पेक्टर का। तो अंकुर सर, सबसे पहले तो जय हिंद सर, और मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप और कैसा फील कर रहे हैं कि एज अ सब इंस्पेक्टर आप देश की सेवा करेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और मैं बहुत ही खुश मिलकर दी। और एग्जाम हमने निकाला है और एग्जाम की तो बेहद ही खुशी होती है, क्योंकि एक एस्पिरेंट्स को इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती है कि आपका एक फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आ जाना और आप फाइनली आप जॉब के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। तो सर, जितने भी लोग हैं सभी जुड़े हुए हैं वो आपको सुन रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स, लाइक आपने कहाँ से, आपकी अर्लियर स्टडीज वगैरह कहाँ से हुई है? नाम अंकुर सिंह है और मैं जिला सुल्तानपुर से हूँ, यूपी का ही रहने वाला हूँ। और मैंने क्लास 10 तक सरस्वती विद्या मंदिर यहीं के कॉलेज है वहाँ स्कूल से किया था। और मैंने दूसरे स्कूल से कमला नेहरू इंस्टीट्यूट, काफी रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ से किया मैंने। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया, जो कि मेरी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस रही। और प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए तो उतना मैं था नहीं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में थे। इस वजह से मैंने उसी तरफ फोकस किया कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाना है। और उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से बैंकिंग के लोग ज्यादा थे 18 से। देन फिर ऐसे ही करते करते अभी इस एग्जाम। सर, तो बात करते हैं यूपीएसआई का। तो आप बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि सब इंस्पेक्टर और पुलिस में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप उनको यूपीएसआई का मतलब कंसाइजली सिलेबस जी बताइए कि कैसा क्या सिलेबस होता है और क्या क्या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका बेसिकली 3 स्टेप में होता है प्रोसेसिंग ये कंप्लीट होने के लिए। और इसका फर्स्ट स्टेप है रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम 400 मार्क्स का होता है, 1 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि नियर अबाउट 2 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके 4 सेक्शन, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं। और ये सब 40 40 क्वेश्चन के होते हैं और एक एक सेक्शन 100 मार्क्स का होता है। और इन सेक्शनल कट ऑफ भी बनाई गई है, जो कि 32% आउट ऑफ 40 क्वेश्चन हमें करने हैं, वो भी सही करने हैं। और ओवरऑल हमें 50% से अबव मार्क्स लाने हैं कि तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये इसका बेसिक सिलेबस है। और तो सर, आपके मतलब क्या स्कोर थे इसमें यूपीएसआई के एग्जाम में? मेरे पहले आंसर की आती है, तो आंसर की से मैंने मिला के मेरे आउट ऑफ 160 में 135 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। और फाइनल जब ना है, क्योंकि जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है तब प्री बोर्ड हमें नंबर देता है, तो उस नंबर में मेरे 330 नंबर आए, जो कि 132 क्वेश्चन के अबाउट पहुंच रहे हैं। बिकॉज नॉर्म अलग काफी लंबा प्रोसीजर चलता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें मेरे मतलब लगभग 3 क्वेश्चन के मार्क्स घट गए थे, तो मेरे जी, तो आउट ऑफ 400 आप 330 पाए हैं। जी। ये बहुत अच्छा मार्क्स है। तो सर, आपने मतलब जैसा कि इसमें बताया कि 4 सेक्शन होते हैं, इसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो आपने इसकी तैयारी मतलब कैसे की थी? क्या जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से आपने तैयारी करना शुरू कर दी थी, कि जब आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा, फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपने यूपीएसआई की पर्टिकुलर यूपीएसआई की तैयारी की? तो सर, आप क्या ये बताना चाहेंगे कि आपने कौन सी बुक का यूज किया, जिससे कि स्टूडेंट्स जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि आपको सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी स्ट्रैटेजीज टॉपर्स की होती है उसको फॉलो करते हैं सभी, तो आपने ऐसे कौन सी मतलब बुक का यूज किया, सोर्सेस का कौन सी यूज किया, कौन से सोर्सेस का यूज किया? पहले तो मैं इस तैयारी के बारे में, मैं जैसे भी आगे आने वाले बच्चे स्पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि सोर्स स्पेसिफिक नहीं है आपको, कि नहीं एक बुक बहुत होती है ये वो। अगर आपको लगता है कि इस बुक से मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, आप वहां से पढ़िए। और जो चीज आपको जहां से बेटर लग रही है, आप जो भी प्रीवियस
नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए। तो मैंने सबसे पहले एक सिलेबस को पूरे अपने नोट्स में नोट किया और टॉपिक उठाता था, और टॉपिक से रिलेटेड जहां से भी मुझे कंटेंट मिला, जैसे मैंने हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन, प्रयागराज की पब्लिकेशन है, काफी अच्छी बुक है, मैंने उसको फॉलो किया, ज्यादातर कंटेंट मुझे वहां से मिल गए। और कुछ स्पेसिफिक ऑनलाइन वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस को भी मैंने फॉलो किया जहां पर हिंदी के ढेर सारे अच्छे कंटेंट मिले। और इसी अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स, मैथ्स में भी क्या होती है कि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और उनपे बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक प्रेफर की राकेश यादव पब्लिकेशंस, और किरण पब्लिकेशंस भी अच्छी है बट मेरा ज्यादा फोकस राकेश यादव की तरफ था, तो मैंने वहां से कंटेंट लिया। और रीजनिंग मेरी बेसिकली मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस सेट से लगाया, जो कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस सेट्स के लिए मैंने यूथ की यूपीएसआई की 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स थी, मैंने वहां से रीजनिंग की ढेर सारी प्रैक्टिस, उसके मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। और जीएस और बेसिक लॉज ये मैंने ज्यादातर नेट से कंटेंट ढूंढा, बिकॉज जीएस तो अवेलेबल है, बट बेसिक लॉज जैसे आईपीसी सीआरपीसी स्पेसिफिक बुक में कम मिलकर मुझे नेट से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिला, नेट के ऑनलाइन वीडियोज और लेक्चर्स से। ओके सर, तो ऐसा मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं क्या जितने भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन रहता है कि ऐसा मतलब किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, या फिर ऐसी कौन सी गलती होती है जो कि जनरली स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, वो उनको नहीं रिपीट करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है इसके लिए? सबसे पहले तो तैयारी को आपको शुरू करने से पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए, बिकॉज जब तक आपको गोल नहीं क्लियर है तैयारी, आप देख जैसे कि फॉर्म भरते हैं कितने लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं बट सीट बहुत थोड़ी होती है, और उसमें भी प्री निकालने और फाइनल प्रोसेसिंग तक पहुंचने तक बच्चों की संख्या कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ बहुत से लोग हैं सिर्फ तैयारी के नाम पे बैठे हुए हैं और फॉर्म भर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं बट रिजल्ट आउटपुट उनका जीरो है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है कि आपको भीड़ बढ़ानी है, आपको एम क्लियर होना चाहिए। अब मैं यूपीएसआई के लिए आया, उससे पहले मेरे थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर थे जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, मुझे बैंकिंग से इसका ढेर सारा प्रॉफिट मिला, बिकॉज कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स ये आपकी प्रैक्टिस से अच्छी होती है, मैंने बैंकिंग में ढेर सारी प्रैक्टिस की थी, बट हिंदी और बेसिक लॉज के लिए और जनरल नॉलेज के लिए मैंने स्पेसिफिक बुक्स फॉलो की और सिलेबस को उठाया। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या आता है, उसके बाद आप सिलेबस नोट करने के बाद आप सेकंड थिंग देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए, बिकॉज आपको जब पेपर पैटर्न नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ेंगे फायदा नहीं होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाइए, उनको देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग आप बुक्स पे पढ़ाई कीजिए, बुक्स पे फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे जैसा आपका पैटर्न अलाउ करता है, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे मेरे पास 6 मंथ था तो मैंने नियर अबाउट 3 to 4 मंथ में मैंने पूरा एक टाइम हर एक टॉपिक्स पे कंप्लीट रिसर्च करके उस पे जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने अपने नोट्स में लिखा, और नोट्स में लिखने के बाद उसको ढेर सारे रिवाइज किया। नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिविजन में हेल्पफुल होती है, मैंने उस सब चीजों को नोट किया जो कि मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पिछले पेपर में आया हुआ है मैंने नोट्स में लिखा, और लास्ट के मंथ या डेढ़ मंथ में मैंने इस चीज को रिवाइज किया। और प्रैक्टिस सेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस सेट है, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे आपको ये चीज नहीं पता होगा कि हमने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है, बिकॉज पढ़ते हैं और भूल जाते हैं और रिविजन नहीं कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप पेपर टाइम में लगता है कि तो पढ़ा हुआ है बट ऐसा कुछ होता है यार, पढ़ा हुआ था बट भूल गया, तो इसका मेन कारण है कि आपने रिवाइज नहीं किया था, तो आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका फायदा आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा अच्छे से दिखता है। बेसिक चीजें जो आपको पेपर से पहले करके जानी चाहिए, और आपको अपने मार्क्स पर फोकस करना चाहिए, अगर मॉक लगा रहे हैं आप मॉक लगा रहे हैं तो आपके नंबर डे बाय डे इंक्रीज किए, और उसको उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कीजिए जितनी आपकी नॉलेज है, कभी कभार होता है फ्लक्चुएट करते हैं नंबर, तो नंबर इसलिए फ्लक्चुएट करते हैं कि आपने किसी मॉक को सीरियसली दिया किसी को अच्छे से नहीं दिया, तो आप हर मॉक से इसको सीरियसली दें जैसा कि आप एग्जाम में बैठे हैं, और एग्जाम में बैठने के बाद जैसे आपको फीलिंग आती है वैसा ही आप मॉक टेस्ट लगाएं, इससे आपको सही चीजों का पता चलता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है और किस टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है, तो ऐसे ही करके आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं।
तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को बता दूं एक कंसाइजली, सर ने ये बोला, सर ने ये बात बोली कि सबसे पहले तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस आप लोग समझिए कि सिलेबस क्या है, एंड देन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, सिलेबस में मतलब एग्जाम्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप पढ़ने, सारे टॉपिक है लेकिन जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, प्लस नोट बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद उसका रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो मेन समय पर सर ने जैसा कि बताया कि एग्जाम के समय लगता है सब आता है लेकिन फिर आता कुछ भी नहीं है, और टेस्ट मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन, आपके प्रिपरेशन लेवल कहां पर है। तो सर आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पोस्टिंग जल्दी ही हो, और आप एज अ सब इंस्पेक्टर देश की सेवा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना प्रीसियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर।